आप चलिए सर, सर मेन आपका मेनू है। सर जो 100 रुपए का मेनू है हम चाहते हैं वही मेनू होना चाहिए। हम सर बस और हमारी कोई डिमांड विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट स्टेट, जैसा बाकी वालों के लिए वैसा है। रेजिडेंसी रोड और यहाँ पे कोई डिफरेंस तो नहीं ना, इतना सेम एरिया ना, एरिया तो सेम है ना। यू कांट से लाइक सर, हमने साइंस कॉलेज भी देखा, एमएम कॉलेज के हॉस्टल भी देखे, एक साल में साल के देते हैं किसने 10,000 रुपए, 10,000 रुपए देते हैं। और उनका मेनू भी देखा और हमारा मेनू भी। यूनिवर्सिटी में सर जब लंच होता है, सर यूनिवर्सिटी में जब लंच होता है, हमें हमें 12th वाले सर 12th वाले बैठे हैं यूनिवर्सिटी में रहा हूं, जब यूनिवर्सिटी में लंच होता है दो सब्जी होती है एक दाल होती है और जब वहां सलाद देखना, हमारा सलाद कट है, हमारे फ्रूट कट है, हमारा सुपर कट है, हमारी जो बैटरी खुद बोल के थे, हमने बोला कि बैटरी नहीं होनी चाहिए। सर आप बोल रहे हैं कुछ नहीं, रेट्स क्या है ये आपको पता होगा। वही सर 90 रुपए हमारा हेड स्टे में 80 रुपए देते हैं, हमारे यहाँ पे 100 रुपए सपोर्ट करेंगे। अगर वहाँ पर आउटसोर्स किया हुआ ना, आउटसोर्स है ना, तो हम भी आज यही कर रहे हैं कि हम उन्हीं से बात करके हम आउटसोर्स करेंगे, कैंटीन वालों से बात करके आपका आउटसोर्स। सर हमारी सिर्फ ये आपकी रोज की लड़ाई ही खत्म। सर हमने काम से दो महीने, ये ठीक है ना, अच्छी बात है ना, हम आउटसोर्स करेंगे सर। से अगर वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट सर, दो महीने से हम उसके अंदर जो मटीरियल था ना कि ग्लास तोड़ तोड़ के उसमें डाले थे, आपने नहीं डाले होंगे लेकिन किसी और ने, बट यू वर डूइंग देयर। तो है सीसीटीवी कवरेज है सर, अच्छी बात है, आप सुधर गए हो तो सुधर। सर हम यहाँ तोड़ने के लिए नहीं आए सर, हम ना लीडर बनना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं, हम सब सिर्फ 100 रुपए के मेनू की बात करना चाहते हैं। उससे मेरी बात सर, उससे बाहर हम नहीं आ रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, हर गलत नहीं मांग रहे, हम कैसे 100 रुपए मांग रहे। स्टल वाले खाना खाते हैं सर, वहाँ पे वो अपना किराया भी निकालते हैं, जो मजदूर होते हैं उनके पैसे भी निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी आर्ग्यूमेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वो ये देखना है यहाँ के सुबह की हर गुस्से इस दायर कि आपको देखना है कि आपके लिए कितना अमाउंट गवर्नमेंट दे रही है। 100 रुपये ठीक है, 3 लाख नहीं आ रहा, वो 100 रुपये पर इंच आ रहा है, ठीक है ना। तो अब वहाँ 100 होंगे, 50 होंगे, बच्चे कितने होंगे वो डिपेंड, ठीक। तो 5,000 विल बी स्पेंड, ठीक सर। अगर दो ही अगर अगर 20 ही बचे तो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ठीक है सर, वो डिपेंड करेगा आपके अटेंडेंस पे। सर जो अटेंडेंस होती है ना, जो है वो गवर्नमेंट ट्राइबल अफेयर का सर अटेंडेंस ऑनलाइन होती है, जैसे कहेंगे जो आपका मेनू है वही वही अदर हॉस्टल्स के अंदर भी होगा, वहाँ पर भी यही रेट्स होंगे, वहाँ पर भी सेम मेनू होगा, जो आपके लिए कुछ अलग से नहीं होगा, समझे मेरी बात, ठीक है ना। आपके लिए भी वही होगा जो उनके लिए होगा, अलग से तो है नहीं कि आपके लिए 150 है 200। हाँ गवर्नमेंट से कहेंगे कि इनके लिए डबल करो, 150 करो या सर तो बढ़ जाए तो फिर अलग बात। सर अगर फिलहाल आपको सर अगर हमें पता है मार्केट में रेट क्या है, अगर सर 50 रुपये किलो प्याज हो जाए, 150 रुपये किलो प्याज हो जाए, सर आप हमें इतना ही तक खाना दो, लेकिन सर वो फ्लक्चुएट हो जाएगा सर, आप क्वांटिटी वो एक अलग बात है, वो उनको देखना है। पिछले साल तक सर जैसे हम घर में मैनेज करते हैं, दैट हैज टू बी मैनेज। सर पिछले साल तक सर कुछ मैनेज सर एक बात सर 2 महीने हो गए सर, अभी ही आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, 2 महीने सर हम भी आपको सर हम रात वाला मेनू मान लेते हैं, अभी मैम वही होगा जो जो बंदा 3 घंटे लगातार बोला है आपने तो उसको इंसान तक भी नहीं समझा, मैंने सेकंड साहब की सारी बोली, मैडम की सारी बोली, मेनू की बात तो कर सकते हैं, ये हमारा हक है नहीं सर।
मक्का ना सर बोल रहे हैं उसी पर तो उसी के लिए तो बैठे उसी के लिए बैठे सर सर हम फालतू हमारी कोई चीज़ नहीं है सर फिर सर सर जब हम बोलते हैं सर 100 रुपये में ये चीज़ आती है हमें प्रोवाइड करा इसका क्या आंसर है जब 2 महीने पहले आती थी यार ऐसा कोई कैसे सर ऐसे हमें कहा गया सर हर बार सर जब सर चलिए अब जाता कि भाई आपको भड़का रहे हैं आपको फना अथॉरिटी कोई अथॉरिटी हमें कॉल नहीं कर रही है होती कौन है अथॉरिटी कॉल करने वाली हम ना समझे हम झूठ का एग्जाम पास करके यूनिवर्सिटी में आए हैं हमें कोई तीसरा बंदा बोलेंगे कि आप सेक्रेटरी साहब के खिलाफ नारेबाजी कर दो हम कर देंगे क्यों करें भाई हमें इतना पता नहीं है किसी ने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए चुपचाप करके बैठे हुए साइलेंट आप हायर अथॉरिटी हो आज मेन्यू डिस्कस करके फाइनल करके जाओगे हमारा कोई आगे वो नहीं है हमारी खाली बात मेन्यू की है हम ना मेम के खिलाफ है ना हम हायर अथॉरिटी के खिलाफ है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस हॉस्टल में ला के बैठाया है हम लोग ये प्रॉपर्टी हमारी है बता दो कोई किसी ने कोई लाश तो कितना इम्प्रूवमेंट किया बिल्कुल बिल्कुल सर कितनी अच्छी तरह से आप रह रहे हो कितना हाइजीनिक है कितनी खराब बिल्डिंग से आपको कितनी अच्छी बिल्डिंग में लाया सारी बात हम लोग बोल रहे हैं सेफ एंड सिक्योर है सीसीटीवी के हमें सारी से कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें मेनू का सेफ एंड सिक्योर सर ये तो हम अब आपका अगर कोई मेनू को लेके कोई इशू है सर इशू ही मेरा विजन मेरी बात भी सुन ले ना आपका जो क्रक्स है कहने का यही है कि यू आर वरीड अबाउट कि मेनू में कहीं अथॉरिटी अब मैं आ गया हूं बिल्कुल हम ना इनका सुनेंगे ना उनका फाइनल करेंगे सर मेरी लास्ट बात एक मिनट साहब भाई मेरे लास्ट बात सर आपने इनको भेजा था ना रात को मेनू डिस्कस करने के लिए जब ये रात को मेनू डिस्कस करने के लिए आए थे सुबह मैम आपके सामने बोले कि जब मैं जो बात मैं बोलूंगी वही होगी जो इनकी बात नहीं अच्छी बात है जो वार्डन कहे आपकी कंसर्न वही होगी सर लेकिन ये तो उनके सीनियर है आप रहने दीजिए कोई सीनियर जो नहीं सर एक बात ठीक है सर एक बात हमारी बात होगी मेनू के अलावा भी सर एक बात सुन लें एक असिस्टेंट वार्डन को यहाँ अपॉइंट कर दें बच्चे यहाँ बीमार होते हैं रात के 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक इस लड़के को एक बार अचानक है नहीं अभी पोस्ट कोई नहीं है यहाँ पर पोस्ट नहीं है नहीं ये भी यहाँ मैडम भी आपके बगैर पोस्ट के यहाँ पर आप बोलते हैं मेरी बात हमें वार्डन तो पूरा छोटी से मिलती है She is not getting salary from our department. मैं जानता हूँ सर इनका मैडम को खिदमत कर रही She is getting salary from education department. बिल्कुल मतलब अभी गवर्नमेंट का ही कर रहा है लेकिन हम इनको यहाँ सैलरी भी पे नहीं कर रहे क्योंकि क्रिएशन नहीं आपकी पोस्ट की ठीक है फिर भी हम काम कर रहे हैं इन हालात में कि जब आपका स्टाफ है वही आपको देना है चाहे वो 6 हो चाहे 12 हो चाहे एम डी हफीज़ नाज़की डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू यहाँ ये ट्राइबल हॉस्टल है डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे हम लोग ये लीज़ पे बिल्डिंग ली गई है जिसमें हम लोग यहाँ तमपज़ीर हैं इस समय जहाँ रह रहे हैं हमारा कोई हम लोग 2 दिन हो चुके हैं आज 2 दिन हम लोग यहाँ हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कल परसों हमारी बातचीत हुई थी जो यहाँ के कंसर्न वार्डन हैं उन्होंने कहा था कि हम लोग आपके मेन्यू पे डिस्कस करना चाहते हैं जब मैम यहाँ आए सारे बच्चे बैठे हुए थे लेकिन मैम ने कहा कि आप 4 बच्चे वहाँ से उठ के आ जाएं हम लोग उन 4 बच्चों से बात करते हैं लेकिन उस पर हमारी कोई रजामंदी नहीं हुई हमने कहा आप सारों बच्चों के सामने बात कर दें तो लिहाजा जब मैम नहीं आए तो हम लोग वहाँ से उठ के चला गए अपने अपने रूम्स में जाके बैठ के कोई किसी ने हल्ला गुल्ला नहीं किया और उसके बाद जब हमारी मीडिया से बात हुई जब मीडिया यहाँ पे आया और मीडिया ने भी पूरा कवरेज किया उस समय यह हुआ कि भाई हम लोग उस समय कोई बोर्ड पे कोई नोटिस वगैरह नहीं लगा हुआ था जब मीडिया यहाँ से वापस चला जाता है तो बोर्ड पे नोटिस लग जाता है बच्चों के खिलाफ कि आपको वार्निंग नोटिस दिया जाता है उसमें क्या क्या डिटेल लिखी जाती है वो आप अभी देख सकते हैं वहाँ पे हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का और हंगर स्ट्राइक का एक ही मीनिंग है हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं है हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई मेन्यू चेंज किया जाए क्योंकि मेन्यू जो है वो 100 रुपीज़ में नहीं आ रहा है पूरा एक बच्चे का यहाँ पे 10,000 पर डे आता है 100 बच्चों के लिए और यहाँ पे 98 या 100 बच्चे इनरोल्ड हैं तो अगर 98 बच्चे हैं तो यहाँ पे 9,000 रुपया यहाँ पे आ रहा है इस समय लेकिन उनको पूरी प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है हमारी ये डिमांड है दूसरी बात हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ नहीं है ना हम ये बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने गलत किया है एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन हम लोग खिलाफ़ हैं मेन्यू के कि भाई मेन्यू चेंज करो इससे अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ठोस पहुंचती है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ ना खींचे इस बात को ना वार्डन मैम खींचे ना कोई डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा यहां लाया जाए कि वार्डन मैम के खिलाफ हम लोग हैं कोई बच्चा वार्डन मैम के खिलाफ नहीं है हम लोग चाहते हैं हमारा मेन्यू चेंज किया जाए हम लोग नहीं चाहते कि हम यहां बैठें अगर
इतनी हमदर्दी डिपार्टमेंट को होती, एडमिनिस्ट्रेशन को होती, तो आज 32 दिन हो चुके हैं बराबर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, तो सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, डीडीओ भी आए हुए हैं और वार्डन मैम भी बैठे हैं, तो मीटिंग होके क्या जी अभी जब सेक्रेटरी साहब यहाँ पे आए तो सेक्रेटरी साहब हमें कहते हैं कि आप अंदर आके बैठें, वहाँ 4 लोगों को ले आएँ और बात करें। हमने कहा हम लोग अंदर नहीं बैठेंगे, अंदर शोर शराबा है, हम लोग यहाँ कल से बैठे हुए हैं, आप यहाँ चेयर एंड टेबल लगा दें यहाँ पे और यहाँ पे सारी चीज़ें हल करके आप यहाँ से चला जाएँ। वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, हमारी कोई जिद है नहीं है, हम लोग बैठे हैं इधर बाहर, कल से यहाँ बैठे हैं, यहाँ ही बैठे रहेंगे जब तक सेक्रेटरी साहब यहाँ टेबल लगा के चेयर लगा के यहाँ साइन करके हमें मेन्यू ना दे दें, हम लोग नहीं जाने देंगे। हमने यहाँ लॉक कर दिया, गेट लॉक कर दिया, सेक्रेटरी साहब अंदर हैं, गेट लॉक है, गाड़ी उनके अंदर है, वो चला जाते हैं, हम लोग गेट नहीं खोलेंगे। अगर हमें पुलिस के थ्रू या किसी दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये डराया जाए, जिस तरह कल जो लेटर लिखा गया उस लेटर में बाज़ाफ़्ता नीचे मेंशन किया गया है कि ये लेटर हम लोग डिप्टी कमिश्नर को भेज रहे हैं, ये लेटर हम लोग अपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज रहे हैं, ये क्या बात है, इतने कौन से रूल वायलेट कर दिए? क्या हम लोग हमारी ड्यूटीज़ है, हम अपना राइट और ड्यूटीज़ जानते हैं, हमारी ड्यूटीज़ है कि हम लोग मर्यादा में बनाए रखें, हम लोग हॉस्टल की प्रॉपर्टी का नुकसान ना करें, तो हम लोग नहीं कर रहे, वो हमारी ड्यूटीज़ थी, लेकिन हमारा राइट है कि हम लोग हक के लिए बोलें, तो हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन जब हम लोग ड्यूटीज़ वायलेट करेंगे, जब हम राइट वायलेट करेंगे, तो तब जाके एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ कुछ भी करे, हम लोग तैयार हैं। लेकिन 2 बच्चों को उठा के टारगेट किया जाता है, अगर कोई खाने के लिए बात करता है 2 बच्चों को टारगेट कर दिया जाता है, ये क्या है सर? सही बात। अगर आप थैंक यू सर, थैंक यू। मैन पावर की इतनी शॉर्टेज के बावजूद माई सेल्फ मुख्तार अहमद चौधरी, आई एम सेक्रेटरी एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ गुजर एंड बकरवाल्स। तो हम ही ये वी आर मैनेजिंग दिस गुजर एंड बकरवाल हॉस्टल्स इन द स्टेट एंड करेंटली वी आर रनिंग 23 हॉस्टल्स, जिनमें ये एक पीजी हॉस्टल है जहाँ पे आज आप ये कवरेज ले रहे हैं। सर आज जो बच्चों ने कल से हंगर स्ट्राइक रखी हुई है और बच्चों का एक आरोप है वार्डन मैम पे कि खाना जो है अच्छा नहीं दिया जाता है, पर डे पर स्टूडेंट 100 रुपीस मिलते हैं, तो उस हिसाब से जो खाना है बहुत मतलब गलत खाना मिलता है इनको, जो डाइटिशन इनकी बहुत ख़राब है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए बच्चों का ये जो आरोप है कि हमें गवर्नमेंट का जो बजटरी सपोर्ट है 100 रुपीज़ पर चाइल्ड पर डे, ये मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ डिवाइज्ड मेनू है, डाइट चार्ट बना है जो सामने दीवार पे डिस्प्ले भी है, और ये हमारा डाइट मेनू जो है सारे हॉस्टल्स में हमने विंटर और समर के हिसाब से रखा हुआ है, क्योंकि चॉइसेस बदल जाती हैं आदमी की विंटर और समर में, इसी तरह से कश्मीर डिवीज़न के लिए और जम्मू डिवीज़न के लिए भी कुछ चॉइस का फूड अलग से होती है, तो ये बैठ करके वार्डन्स के साथ डिस्कस करके बच्चों के साथ डिस्कस करके मेनू डिवाइस किए हुए हैं, और ये विद इन बजटरी प्रोविज़न है, जैसे 100 रुपये में जितना बजट उस बजट में हमारा मेनू कवर हो सकेगा, जितना डाइट हम दे पाएंगे उससे बियॉन्ड, तो बजट से बियॉन्ड तो हम जाएंगे नहीं। सर, तो ये भी कहना है कि जो चार्ट आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, जो लगाया है उसी हिसाब का खाना नहीं मिलता। मैं इसी ज़मन में मैं यहाँ आया हूँ, चूँकि कल बच्चों ने मुझे फ़ोन भी किए थे सेवरल टाइम्स दे कॉल्ड मी, लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेशन था, चूँकि हमारी छुट्टियाँ थी दरबार मूव के टाइम में, मैं आज कोशिश करी मॉर्निंग में मैं पहुँच गया हूँ, मैं यही सुनने के लिए आया हूँ, और अभी मैंने उनको डिटेल में सुना भी नहीं है, कुछ लोग बात कर भी रहे थे इन बिटवीन, आप लोग तशरीफ लाए हैं, आपसे बात हो रही है, तो मैं यही रिजॉल्व करने के लिए आया हूँ कि मैं उनको सुनूंगा कि जो हमारा ये मेनू डिस्प्ले है जो क्लियर दीवारों पे भी लगा है, आपको बताया है, और किचन में भी लगा है, मैं देखूंगा कि अगर क्या ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा उसकी क्या वजूहत हैं और क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है, मैं इसी को रिजॉल्व करने के लिए आ जाएँ, और होपफुली ये जो इशू है बच्चों का ये रिजॉल्व हो जाएगा, ऐसी कोई फर्दर कोई शिकायत इस तरह की नहीं रहेगी, इन केस अगर ऐसा कुछ है तो ख़त्म हो जाएगी, मेरे बच्चों से बात होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं कुछ बच्चों के खिलाफ, कई बार एक्शन लिया जाता है डिसिप्लिन को लेके, वो नहीं चाहते हैं, चूँकि CCTV कवरेज है, यहाँ रिसेंटली इस हॉस्टल में यहाँ शिफ्ट किया है, ये एक हाइजीनिक बिल्डिंग है, साफ़ सुथरी बिल्डिंग है, यहाँ CCTV कवरेज है, तो बच्चे कई तरह की एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं जो वार्डन्स उनसे उनको रोकते हैं, तो उनको ऐसे बच्चे भी कुछ होते हैं शरारती अंसर जो कभी कभी शरारत के बेस पर भी इस तरह की स्ट्राइक्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि यही एक रीज़न हो सकती है, मे बी, बट मैं इसकी तह में जाऊंगा कि रीज़न क्या है, क्या वाकई ही, मैं चेक करूंगा अभी इनका स्टोर भी किचन भी, कि मैं इनके कुकिंग स्टाफ से भी बात करूंगा कि ऐसा कहीं है कि जो हमने मेनू डिस्प्ले किया वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है
तो वो भी मैं देखूंगा, उसका भी हम हल करेंगे और आई विल टेक एक्शन कि कहां पर क्या है। और अगर ऐसा लगेगा कि कोई बच्चा खामखा किसी प्रोवोकेशन पे ऐसी चीज़ें कर रहा है तो उस सिवन में भी हम एक्शन लेंगे, ताकि जो बच्चे ठीक तरह से रहना चाहते हैं, हॉस्टल के मैनेजमेंट को ठीक तरह से रखना चाहते हैं, उनको कोई इस तरह की तकलीफ ना हो, कोई परेशानी की बात ना हो। तो मैं इसको इसको ही रिजॉल्व करने के लिए यहाँ आया हूँ। होपफुली हम इसको अभी रिजॉल्व कर देंगे और ऐसी बात नहीं। देखिए नोटिस जो है वो इंटरनल मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट का एक अपना इशू। मैं आई विल आल्सो लुक इनटू दैट कि वेदर वो मैं उसको असर्टन करूँगा कि वो सही बुनियाद पर है या नहीं है, उसकी क्या रीज़न हो सकती है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। मैं अभी आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं अभी थोड़ी देर ही यहाँ आपसे पहले आया हूँ, मैं अभी बात कर रहा था, इन बिटवीन आप लोग आ गए हैं, चलिए अच्छी बात है, मैं आपको ये बाइट दे रहा हूँ अभी, इसके बाद मैं अभी बैठ रहा हूँ और मैं ये रिजॉल्व करके देन आई विल मूव, देन ओनली आई विल मूव।